गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ जो कि है क्यू एन ए वीडियो। और ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था और आप टाइटल और थंबनेल देखकर तो वैसे भी पहचान ही गए होंगे। और वैसे भी आप लोग के मन में हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा वीडियो एक बनाए जिसमें आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछे और हम आपको आंसर दे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कि आस्क मी अ क्वेश्चंस फॉर माय यूट्यूब चैनल, हम दोनों से रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग ने उसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे, इतने सारे कि मैं क्या बताऊं गाइस, मैं क्वेश्चन देखकर पागल हो गई थी। बट उसमें से मैंने आधे क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस तो सेम ही थे। सो अभी हम लोग आधे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट का रिएक्शन देंगे, जो आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उसका हम रिएक्शन देंगे। सो लेट्स सी। सो सबसे पहला आया है, हाय आपका यूट्यूब वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी आंखों से आंसू आ जाता है हंसते हंसते। मेरा भी आंसू आ जाता है जब मैं खुद के ब्लॉग्स एडिट करता हूँ, इसके ब्लॉग्स एडिट मतलब खुद के करता हूँ तो हंसी आती है, इसके देखता हूँ तो मैंने बोला ये भगवान अच्छा चलना, मेरे में भी हंसी आता है। सर उसके लिए थैंक यू सो मच, हम लोग के वजह से आपके फेस में स्माइल आ रहा है तो इस बहुत बड़ी बात है। वैसे भी इंग्लिश बोलने वाली थी अभी, इस करने वाली थी इट्स वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी बिग थिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी आर ग्लैड दैट यू गेट स्माइल। और जय जय हिंद जय भारत। चलो तो सेकेंड है, यू एंड योर ब्रदर आर ऑसम, लव यू बोथ। थैंक यू सो मच, लव यू टू। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये नहीं होता तो मैं नहीं होता तो ये नहीं होती शायद ऐसे कुछ होती ये नहीं मैं नहीं होता तो ये नहीं होती तो इसकी हिंदी नहीं होती। भगवान हिंदी बोलनी नहीं ये नहीं होता तो मैं नहीं होती तो ये नहीं होता। हाँ, ये थर्ड है मेरे लिए, दी यू आर सो ब्यूटिफुल, लॉट्स ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो मैं क्या गाय के पेट से निकला हूँ यार, दी यू आर सो ब्यूटिफुल नहीं तेरे लिए भी है। अच्छा, फोर्थ इसके लिए है ना, आकाश इज सो क्यूट। थैंक यू, अरे धन्यवाद आपका, थैंक यू। सो नेक्स्ट है, आकाश की कॉमेडी बहुत ही ज्यादा मस्त होती है। अरे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू इससे बहुत होती है, मैं बहुत हंसती हूँ जैसे आप देख रहे हो अभी भी, मैं हंस रही हूँ उसकी कॉमेडियंस की। चल आगे बढ़। सो नेक्स्ट मेरे लिए है, व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल एंड स्पेशली योर स्माइल। 2 महीने घर बैठ के देखो इसके साथ, 2 महीने बैठ जाओ ब्यूटीफुल निकलेगा आपका। ब्यूटीफुल ही हूँ मैं, तेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में मैंने बिना मेकअप का बनाया था जो उसमें रात में, तो सुंदर ही लग रही थी मैं, समझा। अच्छा हाँ ब्यूटीफुल तो है, ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इन द अच्छा इन द वर्ल्ड अच्छा। सॉरी ऐश्वर्या राय, मुझे माफ कर दो आप, मतलब मैं नहीं हूँ मुझे पता है, बट फिर भी आप तो है, मजाक कर रहे, एक मजाक अलग तरफ, ब्यूटीफुली अलग तरफ, तो उसमें आती है मेरी दीदी, ब्यूटीफुल तो है। थैंक यू माय ब्रदर। चलो नेक्स्ट, आई लव योर वीडियोस, उसके लिए भी थैंक यू। चलो ये कॉम्प्लीमेंट तो सब खत्म हो गया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एंड यस लव यू गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू, और इतना सारा सपोर्ट और प्यार करने के लिए उसके लिए भी थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अब हम देंगे मोस्ट आस्क क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव। हम लोग 3 है टोटल, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन, फिर ये सबसे लास्ट में जो छोटा तभी, सबसे छोटा सबसे प्यारा। और सेकंड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछते हो आप लोग, जो कि है एज, इसकी है 16, स्वीट 16 ना कतई स्वीट हो रही, चीटी बिठा दे ऊपर कतई स्वीट हो रही। और मेरा है 22 हाँ। छोटी हूँ मैं भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव। हम लोग रहते हैं देहरादून में, उत्तराखंड या इंडिया, घर पे तो रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थडे डेट, बर्थडे तो मेरा 14 अगस्त 14/08/2004।
और मेरा है 12 दिसंबर 1997। और नेक्स्ट है नेपाल कब आओगे? ये नेपाल हम जल्दी ही आएंगे, श्योर आएंगे। जब भी आएंगे हम अपने YouTube चैनल में जैसे भी करके आपको पता लगना ही है तो हम बता देंगे आपको जब भी आएंगे। हाँ सो यस, हम आएंगे तो फिर कोई ना कोई तो मिलेगा, तो उससे जरूर मिलेंगे हम अपने सब्सक्राइबर्स से। हम ब्लॉग भी तो बनाएंगे फिर, आप लोग देखे लोगे। और मुंबई कब जाओगे आप लोग? मुंबई कब जाओगे? ठीक है, मतलब मुंबई भी और नेपाली भी, तो तू जाइयो नेपाल, मैं जाऊंगा मुंबई। है मुंबई, हम हमारा प्लान तो था अभी जाने का, बट बिकॉज ऑफ कोरोना तो हम अभी नहीं जा पा रहे हैं। पापा तो पहुंच गए हैं वहां पर, तो हम लोग नहीं जा रहे, पर हम जाएंगे बहुत जल्द। जब भी जाएंगे वो आपको अपडेट मिल ही जाएगा गाइस। हाँ। आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दोगे तो हम स्टोरी वगैरह डाल देंगे तो आपको दिख ही जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये है कि आप कौन से ऐप से एडिट करते हो? नहीं, आपको ऐसा लगता होगा कि हम फुल एकदम वो जैसे होता है ना प्रोफेशनल, वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। हमें भी वैसी सस्ती एडिटिंग आती है तो हम इनशॉट में कर लेते हैं। सो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे इंस्टाग्राम में भी कि आप एडिट किससे करते हो। मैं एडिट करता हूँ सिर्फ इनशॉट से, बिकॉज उससे जल्दी जल्दी मतलब वो कितना 7 घंटे का एडिट मेरे से हो जाता है, 2 घंटे में या फिर 1 घंटे में ऐसा ऐसा हो जाता है। मैं तो और जल्दी कर देती हूँ। अरे ये तो बहुत तेज है, इसको तो एडिट करो फर्स्ट फर्स्ट फास्ट करते हैं ना, तो हो जाता है 10 मिनट। हाँ 10 मिनट तभी एडिट इतनी गंदी गंदी थी भाई, कौन पता नहीं आधे घंटे की वीडियो बनाती है। मैंने ना एक वीडियो बनाया था एडिट करके, उसका था 22 मिनट का, तो मैंने उसको बोला भाई तू देख दे यार कहीं थोड़ा बहुत कट कर दे। मैंने कट करके 9 मिनट 47 सेकंड का बनाया इसका, समझ रहे हो आप? अगर आप इसकी वीडियो देख रहे हो तो वो एडिट का पूरा क्रेडिट मेरे को जाता है। वो तो जाता है, थंबनेल भी यही बनाता है। हाँ थंबनेल भी पूछते हो आप लोग, थंबनेल ये बनाता है किससे? बनाता है पिक्सआर्ट से, बहुत अच्छे बनाता है। नेक्स्ट, आप लोग के बीच में एज कितना डिफरेंस है? सो ये है 16 का, मैं हूँ 22 का, तो लगा लो हिसाब। 5-4 साल इतना हिसाब हमको भी दिमाग में नहीं आता। चलो सो अब आते हैं हम मेन क्वेश्चंस में, और इतने सारे क्वेश्चन, ओ भाई मारो मुझे। इतने सारे? हाँ ठीक है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट तू बताइए, मैं बताऊँ? तू बता। अच्छा मैं बताऊँ? जब मैं सुपर डांसर से भी पहले, मतलब जब मैं स्कूल में था तो एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैंने उस टाइम पे देख ली ABCD2, और ABCD2 में एक श्रद्धा कपूर को ऐसे ऊपर फेंकते तो वो स्प्लिट करके उसको ऐसे पकड़ते। मैंने एक भैया को बोला भैया मैं ऐसे करूंगा और मैं स्प्लिट करूंगा, मैंने स्प्लिट किया, पैंट फटी और भाई साहब फिर हो गया, पता है यू नो दी आगे का प्रोसेस। फिर क्या बोलता, तो मजा आया और बहुत मजा आया। अब तेरी बता। मेरा ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट इतना अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, बट वही है कि जब मैं सलमान खान से मिली थी ना, तो मेरा बहुत गंदा मोमेंट बना था मेरे को। मैं उस टाइम में बोल भी नहीं पा रही थी, तो वो बहुत अजीब सा, मैं उनके साथ हाथ मिलाने गई थी इतने दूर से, मैंने ऐसे करा था, तो मेरे को सबसे गंदी मोमेंट लगता है। सो या वही है। सो सेकेंड है, विच टाइप ऑफ गर्ल डू यू लाइक? मेरे को तो गाइस वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा मेरे को मतलब अट्रैक्ट करती है, या फिर कितनी कितनी शाम स्वभाव की है वो, एंड कितनी प्यारी है, कितनी केयर वाली है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, तो बाकी मतलब आ ही जाता है, तो यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू? सो ये हम दोनों के लिए है। मेरे तो विवेक सर है, देखो मतलब मेरे जितने भी डांसर्स, अगर मैं बोलूँ तो डांसर्स भी जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिन्होंने मेरे लिए मेरे पे मेहनत की है, तो वही मेरे सौरभ सर, मेरे विवेक सर, मेरे ऋषि सर, जिन्होंने भी मुझे सिखाया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स। ओ भाई साहब नाइस आंसर, वेरी 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 गुड। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं भी यहाँ तक नहीं होती, या तो जो भी, बट आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आप लोग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। लव यू गाइस। सो या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लव नेपाली गर्ल्स फॉर मेक योर गर्लफ्रेंड? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर। इसका तो नेपाली बहू लाएंगे हम, ढूंढ के मैं लाऊंगा अगर मेरे को नेपाली भी अच्छी मिल गई, मतलब वही। तो योर बॉयफ्रेंड नेम एंड क्रश नेम? पहली बार तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और बॉयफ्रेंड से मुझे याद आया गाइज, मैंने इस ये क्वेश्चन आंसर वाला पोस्ट डालने से पहले मैंने वो वाला डाला था, फाइनली इनर रिलेशनशिप वाला, जो इसने मेरे को डेयर दिया था, तो वो वाला जब मैंने स्टेटस डाला तो सब लोग ने इतने क्वेश्चन पूछे मुझे, कौन है आपका बॉयफ्रेंड, नाम बताओ, फोटो दिखाओ, कौन है कौन है कौन है, इतना पागल कर दिया था मुझे, मैं पागल हो गई थी वो देखकर। बट
ऐसा कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है, सिंगल ही हूँ अभी मैं। देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी के लिए मैं सिंगल हूँ। मेरे को लग ही रहा था, माँ कसम मुझे ये लग ही रहा था ये करेगी पक्का, मुझे लग ही रहा था। आजकल मैं कुछ कुछ चीजें ना रिपीट कर रही हूँ गाइस। नहीं नहीं रिपीट नहीं कर रही, आज फर्स्ट टाइम किया ना, मेरे को ऐसा फील हो गया तू करेगी। अच्छा हाँ, और क्रश तो ऐसा कोई भी नहीं है मेरे को, इतना वो नहीं है कि मतलब सबसे प्यार तो मेरा सलमान खान ही है, बट ऐसा क्रश कुछ भी नहीं है। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? एक दूसरे की कौन सी चीज अच्छी लगती है? ये बोला था मैडम को मैंने, खरीद दिया उसने तो बहुत ही अच्छा लगता है, एंड केयरिंग है, एंड बस और क्या तू बता। इसका भी मेरे को वही है कि बहुत केयर करता है, यही लड़ता है मतलब चिढ़ाता है, बट केयरिंग है, स्वीट है, पर भले जितना हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना, ये आके सॉरी बोलता है, सबसे अच्छी बात है। चलो आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच टॉपिक यू एंड आकाश फाइट? सो हम सबसे ज्यादा फाइट करते हैं जब ये मेरे को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है, बहुत ही ज्यादा बेमतलब का, इसको मतलब इरिटेट करना इतना पसंद है, मम्मी को भी करता है, मेरे को भी करता है, और इतना मार खाता है फिर। बहुत मार खाता है उसी में थोड़ी, फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे क्यों मारा, फिर ऐसे ऐसे लड़ाई हो जाती है, तूने क्यों स्टार्ट किया, उसी में हो जाती है लड़ाई। हाँ हाँ, छोटी छोटी चीज में हो जाती है, छोटी छोटी। सो नेक्स्ट है, आपको पंजाबी आती है? अगर आती है तो एक लाइन बोलो प्लीज। एक लाइन मुझे आती है। अच्छा बोल। की कहंदे तुसी? की कहंदे तुसी मतलब क्या बोल रहे हो तू? चलो भाई अब गेड़ियां मारते हैं। ये भी है एक। सो ये क्वेश्चन है आकाश के लिए कि आपका डांस शो में पहला एक्सपीरियंस कैसा था? पहला डांस शो में पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही सही था, मस्त था, अच्छा था, प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैंने मतलब फर्स्ट मेरा रियलिटी शो ही वही था, तो पहले ही में मैंने इतना अच्छा कुछ अचीव कर लिया था, तो बहुत ही सही लगा था, मस्त था, अच्छा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस किस सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं? सो ये जिससे मिला मैं भी उसी से मिली, क्योंकि वो शो में आते थे वो प्रमोशन के लिए, वो अपने मूवी का, तो हमने मिले भी हैं। हम सलमान खान, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, गोविंदा, रवीना टंडन, और वो क्या था वो जो मैं तेरा हीरो मूवी में हीरोइन थी, एलिना। अच्छा हाँ, वो इलियाना, अजय देवगन, डी क्रूज ऐसा। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, जुबेन नौटियाल से भी मिले हैं। हाँ, और बहुत सारे, बहुत सारे उर्वशी रौतेला। हाँ, बहुत सारे। हाँ, जो जो हम दोनों सेम ही से मिले। हाँ, और मैं भी इसी के वजह से मिल पाई, क्योंकि ये था इसलिए। अब अभी इमोशनल हो रही है। अच्छा चल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, हाउ मच यू लव माउंटेन ड्यू? एंड बाय द वे आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, लव फ्रॉम राजस्थान। सबसे पहले तो थैंक यू, एंड दूसरी बात मैं तो इतना सारा प्यार करती हूँ माउंटेन ड्यू, बहुत ज्यादा मैं इतना पीती हूँ, इतना अभी भी रखा था जो कि इसने खत्म कर दिया, जो कि मैंने खत्म कर दिया। मैं वीडियो बनाते हुए भी रखती हूँ। हाँ। सोने से पहले भी पीती हूँ, उठने के बाद भी पीती हूँ, पीती 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 रहती हूँ। कभी माउंटेन जैसा मुंह हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर बंक्ड क्लास? ना, मैंने नहीं मारा, मैंने हाँ मारा है, मतलब ऐसा बंक नहीं किया कि स्कूल से भागना, मैंने सिर्फ वही किया है कि जो टीचर मेरे को पसंद नहीं, मतलब पसंद भी किया, जिसका सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था उसके उसमें भागता था, मतलब वही होता है ना, बाथरूम जाने के लिए, मतलब हाँ बाथरूम जाने के लिए तो सीधा बाथरूम जाओ, आते वक्त वो जो घूम के मारते हो ना तुम लोग, सांप सीढ़ी खेलते हो जो, वो मजा आता है, तो वो किया मैंने बहुत, और बंक भी मारा है। मैंने भी मारा, मैंने तो मारा भी क्लास बहुत बार। और ये तो चैंपियन थी। इतना भी नहीं, स्कूल नहीं मारा। हाँ, नहीं नहीं मैंने क्लास किया है, वो भी मैं दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं था, वैसे भी पढ़ाई तो पसंद ही नहीं होती, बट फिर भी मैंने मारा है, बस यही है। ओहो माई गॉड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस जिसने भी पूछा उसको तो समझ में आ जाए कि ये आपने पूछा है, उसका क्वेश्चन है कि आपके सर में कभी जुए पड़े हैं? और दी आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स एंड आकाश, बट आपके सर में कभी जुए पड़े? जुए? मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं क्वेश्चन लिख रही थी, पढ़े कभी? हाँ।
मैं तो एक बार पढ़ा था स्कूल, मेरा भी एक बार ही पढ़ा था स्कूल में, जो ना जैसे दोस्तों के साथ चिपक चपक तो हो जाता है ना, वैसे मेरा पढ़ा था मेरे इधर तो उसके फिर मैंने अपने पूरे खानदान को फैला दिया, वो तो फैल जाते ना। हाँ भाई, इसकी वजह से आया था। और पता क्या, वो जुए जैसे आते हैं ना, वो अच्छा माना जाता है, उससे बोलते कि वो पैसे आने के दादे होते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे तो नहीं है आए थे होंगे ना सारे थे ना जल्दी oh my god In future, one place where you want to go with your partner. Partner के साथ मुझे, अगर अकेला हो तो, अगर मैं पहले बता दूं कि अगर मेरे को अकेला घूमना हो तो मेरे को ऐसे जंगल वंगल में, पुराने जगह पे, ऐसे ऐसे जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, क्या पसंद आ गया मुझे, तो ऐसे जाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे को पार्टनर के साथ कहीं जाना हो तो मैं ऐसे बाली, ऐसे ऐसे जगह पे जाऊंगा। मेरे को तो जाना है गोवा। गोवा? Okay. So next question is, if you get a chance to work in movie, will you? Yes, of course. Why not? Yes, of course. मैं सब। तू भी? खसम। तू भी? हाँ। इसने बकर कुछ सोच के रखा होगा बोलने के लिए। हाँ। बोल। नहीं मतलब चांस ऐसा तो नहीं है कि मैं पर्सनली जाना चाहूंगी या मेरे को ऐसा शौक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना टैलेंट तो है नहीं एक्टिंग वाला जैसा। बट अगर ऐसा कभी चांस मिले कि तुम्हें करना है, हम सब कुछ सिखाएंगे, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और अगर सलमान खान के साथ मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाएगा। वही है ना, सोने पे सुहागा, सलमान खान तुझको देख के भागा। ये ताली बजा के ठीक है, करने की क्या जरूरत थी। So next question is, what you do when you are sad? Bhangra. मैं तो अकेले में बैठ जाती हूँ और रोती रहती हूँ और फोन चलाती रहती हूँ बस, जब मैं सैड होती हूँ। सैड? अगर मैं सैड होता हूँ तो कुछ नहीं, फोन चला लेता हूँ। हाँ। So next question है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बोलो, few lines. Few lines. Okay. So मैं few lines तो नहीं, lines तो नहीं बोल पाऊंगा, एक वर्ड बोलूंगा इसके लिए। मजाक कर रहा। फ्यू लाइंस। बहन, बहन एक ऐसी चीज है, चीज नहीं मतलब ऐसी इंसान है जो मतलब आपको बुरे वक्त पे काम आती है, है ना। सो बस वही है, बहन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बहन नहीं है तो कोई नहीं, आप कोई भी एक तो बहन कजन होगी, उसके साथ बातें शेयर करोगे तो मे भी आपको अच्छा लग जाए। तो वही अगर इसके साथ बातें शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, है ना। सॉरी बोल। मैं इसके लिए बोलूंगी, गाना नहीं, गाना था नहीं नहीं वो धुन था मैं इसके लिए फ्यू लाइन ये बोलूंगी कि बहुत टैलेंटेड है और मतलब बहुत अच्छा है, छोटी सी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर दिया इसने, एंड अपनी फैमिली को इतने इसने इतना प्राउड कराया, बहुत अच्छा फील करा, इसके वजह से हमको भी प्राउड फील होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पापा कौन से जॉब करते हैं और उनकी सैलरी कितनी है? आई वॉन्ट टू नो, कैन यू प्लीज आंसर। सो हम सैलरी तो नहीं बता सकते, बट ये है कि हमारे पापा आर्मी में है। हमारे पापा आर्मी में थे और अभी भी आर्मी में है, बट जैसे होता है ना, वो आर्मी के बाद एक और आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे पापा ने वो DSC ज्वाइन किया है, वो भी हमारे लिए, ताकि हमारे हम खुश रहे और हम अच्छे अच्छे खा सके, पहन सके, पहन सके, हमारी अच्छी परवरिश हो। सो हमारे लिए हमारे पापा इतने मेहनत कर रहे हैं और इतनी दुखी के साथ इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं, और वैसे भी बहुत प्राउड होता है क्योंकि आर्मी में है बोल के, और सैलरी तो आज तक हमने पूछा भी नहीं है। बस वही है, पूछते नहीं है और पापा बताते नहीं है, बस पापा यही कहते कि खुश रहो, खुश जो चाहिए वो बताओ मेरे को, मैं करके पूरा करके दूंगा। सो बहुत ही अच्छा लगता है उसके लिए। लव यू पापा। लव यू डैडी। वो खुद नहीं करते, लव यू पापा ले देते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट फादर, सबको अपने पापा सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, राइट। So next question है, what is the best memory with your fans? Fans तो नहीं बोलेंगे, family बोलेंगे, एक हमारी family। So बहुत ही अच्छा लगता है, क्या पता हम sure किसी ना एक दिन, अगर हम अच्छे यूट्यूबर भी तो नहीं, अच्छे एकदम मतलब अच्छी फैमिली बन गई हमारी यूट्यूब में, तो श्योर हम एक मीटअप रखेंगे, है ना दी। मीटअप रखेंगे एंड देन आप लोगों से बात करेंगे तो मे भी अच्छा लगे हमें। ऐसे मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं, बट प्यार है आप लोग का, जो भी हम लोग का आप लोग हमको देते हैं, इतने अच्छे अच्छे एडिट्स करते हैं, इतना सारा प्यार दिखाते हैं इसके लिए, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बिगेस्ट मोमेंट जिसको याद करके आप अभी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबको पता है
मेरा तो भाई सलमान खान वाला मोमेंट, सलमान खान वाला मोमेंट जब मैं सोचती हूँ ना, मेरे को हंसी आ जाती है, जैसे अभी आई। और तेरा? मेरा बिगेस्ट मोमेंट वही है, बेस्ट मेमोरी वही जो पीछे देख रहे हो प्ले बटन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आई एम स्टिल कंफ्यूज कि हजूर हरू थापा छेत्री हो कि थापा मगर हो, वर्षा दी प्लीज रिप्लाई। सो इसमें पूछा है कि आप लोग थापा छेत्री हो या थापा मगर हो। एक्चुअली हम लोग है केसी खत्री छेत्री, सो हम लोग थापा इसलिए लिखते हैं, जो हमारे पापा है वो आर्मी में जब भर्ती होने के लिए गए थे तो उनने अपना नाम दीपक थापा लिखाया था, तो तब वहाँ से उनके हर डॉक्यूमेंट में थापा थापा था, तो हम लोग का भी नाम थापा 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 है, थापा 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 है, तो इसलिए हम लोग थापा थापा लिखते हैं। हाँ। और वैसे भी ये आकाश थापा नाम से फेमस हुआ है, तो थापा लिखते हैं। सो वैसे हम केसी है चलो ऐसे करने वाली थी, मैंने ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर यू बोथ आर बॉर्न। सो मैं हुई हूँ पुणे में और ये हुआ है रायवाला में, इधर ही है रायवाला देहरादून साइड। हाँ। तो ये वहाँ पर हुआ है, बहन का भी बताते हैं वो नेपाल में हुई है। हम अलग अलग जगह पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश के लिए, इफ यू हैड टू चूज अ गर्ल फ्रॉम आई एम हिप हॉप किड्स टू मेक हर गर्लफ्रेंड, देन हु वुड इट बी? आई एम हिप हॉप किड्स में तो नहीं, सब मेरे फ्रेंड्स जैसे ही हैं। सो इतना नहीं है, मतलब सबके साथ, क्योंकि सबके साथ मेहनत की है, वैसा नहीं है कि प्यार भरी वैसी वाली बातें नहीं की, सबके साथ मेहनत की है, तो वही ये सब दोस्त हैं। सो इतना ज़्यादा नहीं है अभी, कुछ दूसरी वीडियो में बनाता हूँ दीदी साइड में। हाँ, मजाक करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो एक्चुअली मेरा तो अभी आने वाला है बोलो, क्योंकि मैंने अभी $100 उसमें कुछ तो भी कंप्लीट करना पड़ता है, टारगेट होता है। सो मैंने वो कंप्लीट कर लिया, पर उससे बैंक में ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, तो जब आएगा तो मैं उसका पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुशी का मोमेंट होगा, तो मैं उसके लिए अब तो पक्का वीडियो बनाऊंगी। बट आकाश का, एक्चुअली आकाश का तो पहले आना चाहिए था, बट उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरा एज अंडर एज, मेरा कुछ तो कहीं तो कुछ तो अटक गया, तो उसकी वजह से मेरे पूरे पेमेंट चले गए। सो कोई नहीं, मैंने नया वो बनाया कुछ, तो उससे अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, जब भी हम लोग का पेमेंट ऐसा कुछ आएगा तो हम आप लोग के साथ ही शेयर करेंगे, क्योंकि आपके वजह से ही हमको मिल रहा है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोन डू यू हैव। इसके पास तो है आईफोन 11 जिसे शूट कर रहे हैं हम लोग, एंड जो किसने वीडियो भी डाली थी, और मेरे पास है वीवो बेचारी, बट कोई नहीं दीदी, जल्दी ही अभी लेने वाली हूँ, नई फोन लेने वाली है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसका भी वीडियो बनाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द डम्बेस्ट थिंग यू हैव एवर परचेस्ड। अच्छा, खरीदा है कुछ? सबसे मतलब सबसे गंदा चीज जो मैंने खरीदा है, हमने अच्छा। मैंने एक चीज खरीदा था अभी रिसेंटली ही, जब टिकटॉक था उससे पहले खरीदा था मैंने, टिकटॉक में एक उस दिखाया था, वो क्रीम था, उसको उसने ऐसे स्प्रे किया था, कोरियन का कोई ब्रांड था शायद वो, तो ऐसे स्प्रे किया और उसने ऐसे किया, एकदम हाथ ऐसे गोरे हो गए थे ना, मतलब कि सोच भी नहीं सकता था, इसको तो इससे भी मतलब थोड़ा कम बट गोरा हो गया, मेरे को लगा चल इतना नहीं होगा, थोड़ा कम तो होगा। मैंने मंगाया, उसके बाद जब वो आया, 800 रुपये का मंगाया था मैंने, बट वैसे बात नहीं है, बट चलो काम करे तो वो 800 रुपये भी कुछ नहीं लगता, बट जब मैंने ऐसे लगाया ना, और ये यार सेम लग रहा था, इतना दुख लगा, बट उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, तो मैंने वो रखा है कि जब ऐसे कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं जब से स्मेल से आती है तो मैं उसको लगाने के लिए मैंने रखा है, बट सबसे गंदी चीज़ मैंने वो खरीदी है। तो जिसने तो गंदी खरीदी है, और मैंने क्या खरीदी, मैंने मतलब मैं तो नहीं, मेरा मैंने तो इतना नहीं, मैं तो सोच समझ के ही लेता हूँ, बट जो भी हो, बट मेरी मम्मी ने फेसबुक में एक साड़ी देखी तो वो मम्मी ने मंगाया, और आके ऐसा लग रहा था भाई, वो तो मैं ऐसा लग रहा था मम्मी को कि मैं इसका पूछा भी ना बनाऊं, ऐसा हो रहा था, इतना गंदा साड़ी फेसबुक से मंगाया मम्मी ने, बोला इतना गंदा, फोन करने के लिए बोला तो जिसको आप फोन कर रहे हो वैसे करके आया बस। और लास्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, जो कि आप लोग सब पूछते हैं, आपके एक्स कौन था, एक्स का नाम बताओ, ऐसे पूछते हो आप लोग, मैं नहीं बताऊंगी एक्स का नाम, नहीं बताएगी, सॉरी गाइस, वो इतने भी इम्पोर्टेंस नहीं लगते मेरे लाइफ में कि मैं उनको वीडियो में उनका नाम लूं। इसलिए नहीं लिया मैं उनका नाम, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारा पूछा था मेरे को, बहुत लोगों ने, तो मैंने सोचा किसका आंसर भी मुझे देना चाहिए,
और इन फ्यूचर का भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो आप लोग को पक्का बताऊंगी, क्योंकि आप लोग का ये भी बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हैं मुझसे, इसलिए एक्सेस के नाम मत पूछा करो गाइस, आई हेट हिम एंड इसलिए उनका नाम लेना मुझे पसंद नहीं है। सो या, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और आपको हम दोनों का ये क्वेश्चन आंसर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। मैंने बोल दिया एंडिंग, हा हा हा, बाय।